हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कि मीरो मीरो को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो उसी के बारे में आज का हमारा क्रेश कोर्स है। मीरो को बेसिक्स हम कैसे जानेंगे, बिगनर कैसे उसको लर्न कर सकेंगे, तो उसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अब हम आ चुके हैं मीरो की वेबसाइट पे। तो आइए जानते हैं कि लाइक मीरो क्या है, मीरो को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब वाइट बोर्डिंग का यूज़ करते थे टीचर्स वगैरह सब पढ़ाने के लिए। तो एक तरह का वाइट बोर्ड ही है, तो वहाँ यहाँ पे भी सब आप ड्रॉ कर सकते हो, टॉपिक्स को ब्रेन स्ट्रोमिंग कर सकते हो, माइंड मैपिंग कर सकते हो। तो एक प्रोजेक्ट बेस में अच्छे से ये टूल काम हमें आता है, तो हम मीरो का यूज़ उस प्रकार से कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे पूरे का पूरे प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग्स वगैरह सब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप। तो एक मीरो एक अच्छा वाइट बोर्डिंग टूल है, उसमें उसके साथ आप कई सारी एप्स को इंटीग्रेशन कर सकते हो। जीरा हो गया, फिग्मा हो गया, एडोब एक्सडी हो गया, गूगल का लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशन का टूल आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वो सब इसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वो मैं आगे के टॉपिक में वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। और अभी हम साइनअप प्रोसेस की तरफ देखते हैं कि कैसे इसमें अकाउंट्स वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइनअप पर चले जाना है। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन पे जाके भी आप कर सकते हो लॉगिन डायरेक्टली। तो यहाँ पे गूगल थ्रू कर सकते हो, स्लैक थ्रू कर सकते हो, ऑफिस थ्रू कर सकते हो, एंड एप्पल आईडी के भी थ्रू भी कर सकते हो आप, एंड फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो साइनअप। तो वो प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। तो आप एक बार यहाँ पे ईमेल डाल लोगे या फिर साइन अप विद गूगल कर लोगे तो डायरेक्टली वो हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देख लेना। तो मैंने ऑलरेडी लाइक साइन अप करके रखा है, तो मैं आपको डायरेक्टली मीरो के डैशबोर्ड में ले जाता हूँ। तो उससे पहले मैंने मीरो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना है अपने सिस्टम में, मैक में। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मीरो फॉर मैक यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो डायरेक्टली वो मीरो के लिए डायरेक्टली जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आता है वो यहाँ पे उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने मीरो फॉर मैक लिखा, आप विंडोज़ भी लिख सकते हो तो डायरेक्टली वो विंडोज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए भी है और मैक के लिए भी है, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, सभी के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और डिस्प्लेस के लिए भी इसका सॉफ्टवेयर आता है। सिंपल बेसिकली आपको उसके कोड डालना है तो डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा मीरो, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं मीरो के सॉफ्टवेयर में। तो देखिए ये इसका लाइक टीम का डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे टीम क्रिएट करनी है तो यहाँ पे टीम का नेम मैं क्रिएट कर लूँगा। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है मेरी सपोज, तो उस प्रोडक्ट का नेम लिख के हम टीम क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी ये फ्री यूजेज में, इसको अपग्रेड करना है तो इसका चार्जेस वगैरह सब लेते हैं। तो ये चार्जेस के लिए है यहाँ पे देखिए, बट हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं इसको लाइक लिमिटेड के लिए। लाइक मान लो कि 3 ही बोर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक टीम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 क्रिएट करके रखे और अभी आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसका न्यू बोर्ड क्रिएट होता है, यहाँ पे रिसेंट सब दिखता है, यहाँ पे बोर्ड सब सर्च कर सकते हो। और ये उसके रेडीमेड टेम्पलेट से, यहाँ पे आपको और भी देखने हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, ठीक है। आपके सामने अभी सारे टेम्पलेट दिख गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी आपको रेडीमेड चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। देखिए ये सारे प्रोजेक्ट्स बेस में आपको काम में आ सकते हैं। तो ये सारे टेम्पलेट है, यहाँ पे ओल्ड टेम्पलेट्स करोगे तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे। यहाँ पे यूज़ केसेस के मुताबिक यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं। मैपिंग के लिए कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, रिसर्च के लिए कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिसर्च एंड डिज़ाइन में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे सब दिखाए हुए टेम्पलेट। वायर फ्रेम के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वाइट बोर्ड ही पहले क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट टीम बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी मेरे सामने एक वाइट बोर्ड क्रिएट हो रहा है, देखिए। फिर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कौन सा टेम्पलेट आपको लेना है, ठीक है। तो कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हो, बट मैं अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ, बाद में आपको लेके दिखाऊंगा कोई भी टेम्पलेट, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने वाइट बोर्ड क्रिएट किया है उसका नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ अपना टेस्ट, लिख देता हूँ प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन जो भी देना है दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया तो ये हो गया। फिर यहाँ पे सेटिंग इसका दिखाया बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोर्ड्स पे जाओगे तो ये न्यू बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, स्टार्ट
लाइक स्टीयर दिस बोर्ड, तो वो टॉप पे रहेगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं स्टीयर करके, तो वो भी लाइक सेव हो जाता है, उसी तरह का हो, रीनेम कर सकते हो, इसका डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, तो पूरा का पूरा बोर्ड का जो भी कलर है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे लाइट ब्लू करता हूँ, देखिए पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। फिर स्टार्ट व्यू, लाइक सेट स्टार्ट व्यू कैसे कर सकते हो, लाइक मान लो कि कोई भी किसी को भी आपने बोर्ड शेयर किया, तो कौन से व्यू में ये बोर्ड ओपन होगा, तो उसी के लिए आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी ये काम में आ सकता है। देन यहाँ पे बोर्ड की हिस्ट्री सारी दिखेगी, एक्टिविटी जो जो आपने किया है, हिस्ट्री के लिए लाइक वर्जन्स के लिए तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, वो मैं आगे समझाऊंगा कि ये वर्जन्स में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाओगे तो यहाँ पे लाइक नेविगेशन डिवाइस के लिए माउस आप यूज़ कर रहे हो, ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हो, सब उसके मुताबिक मीरो का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ कर लेगा। मैं यहाँ पे माउस सिलेक्ट करता हूँ तो उसके जेस्चर के ऊपर चलेगा, वर्क करेगा। फिर यहाँ पे ग्रीड है, लाइन है, डॉट्स है, क्या है तो आपको यूज़ करना है। तो देखिए बैकग्राउंड में सब डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो उसको मैं लाइन में ग्रीड में कर सकता हूँ, लाइन ग्रीड में। तो देखिए अभी लाइनिंग आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं रखना है तो यहाँ पे ब्लैंक रख सकता हूँ। फिर लाइक अलाइन ऑब्जेक्ट के, स्क्रॉल बार के है, वो सब भी आप यहाँ से टर्न ऑफ ऑन कर सकते हो, जहाँ पे साइड में स्क्रॉल बार वगैरह सब आता है। फिर ये रेड्यूस मोशन, जो भी आप कुछ भी क्रिएट करते हो थोड़ा सा एनिमेशन ये मिरर देता है, तो उस एनिमेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसके लिए, तो थोड़ा सा मिरर आपका स्मूथ चलेगा। लाइक बड़े वर्क फ्लो क्रिएट किया है आपने तो थोड़ा हैंगिंग होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा स्लो लाइक फास्टली चलने लगेगा रिड्यूस मोशन आप करोगे। यहाँ पे सारे के सारे शॉर्टकट्स दिखाए हुए हैं, देखिए ये पूरे के पूरे जैसे हम फिग्मा में यूज़ करते हैं फोटोशॉप में, उसके बेसिक से सब शॉर्टकट से इजीली, तो उस तरीके के यहाँ पे भी शॉर्टकट्स इन्होंने दिखाया हुआ है, तो आप इसका यूज़ करके वर्क फ्लो को फास्ट कर सकते हो अपने। तो अब आगे जाते हैं, तो ये तो बाकी का तो कुछ नॉर्मल ही है सब, आप देख सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो अपनी प्रोफाइल खोल सकोगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका प्रोफाइल का व्यू दिख जाएगा, देखिए सारा का सारा व्यू। और आप ऐप इंटीग्रेशन वगैरह सब करना है तो वो भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना है, गूगल कॉन्टेक्ट्स को, ये सब यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे हम, ये वाला पूरा का पूरा बोर्ड को आपको एक्सपोर्ट करना है, या पीडीएफ में सेव करना है, या टेम्पलेट की तरह सेव करना है, या बैकअप लेना है, तो यहाँ से सब आप एग्जिट लाइक सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। फिर आपको लाइक एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना है, गूगल ड्राइव में सेव करना है, एम्बेड की तरह लाइक किसी भी वेबसाइट में डायरेक्ट लोड हो तो वहाँ पे एम्बेड कोड होता है, तो वहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे एम्बेड कोड लेके और डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी एम्बेड कोड करोगे तो डायरेक्टली वो प्रेजेंट हो जाएगा। फिर जीरा के साथ आप लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल जीरा होता है, उसके साथ अटैच करना है तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हो। फिर सर्च में आप पूरा का पूरा जो भी आपने लाइक प्रेजेंटेशन इसमें मीरो में क्रिएट किया है, तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में आपको सर्च कुछ भी करना है, कोई भी लाइन सर्च करनी है तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर दे सकते हो कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या स्टिकी नोट में है, तो सब भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लाइक ये वाला पैनल हमारा हो गया, अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पैनल तो लाइक पेड पैनल है, यहाँ पे टाइमर आता है, तो टाइमर को भी आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा तब दिखेगा। ये वीडियो चैट्स वगैरह लाइक वोटिंग के लिए है, तो ये भी आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ये भी सब लाइक वॉइस नोट की तरह काम करता है, तो ये भी पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपको फ्री में मिलता है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप टू डू है, मीटिंग एजेंडा वो सब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एप्स में जाते हैं, ठीक, कौन कौन सी आप एप्स इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिग्मा दिखाता हूँ, तो देखिए ये प्लगइन आप फिग्मा में भी इंस्टॉल करके जो भी उसकी स्क्रीन्स वगैरह इसमें इंपोर्ट करनी है तो फिग्मा के थ्रू डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सके हो। तो सारे के सारे प्लगइन्स भी यहाँ पे डिजाइनर टूल के भी दिए हुए हैं, एडोब XD देखते हैं तो XD का भी मिल जाएगा आपको, देखिए। फिर स्केच का देखते हैं, देखिए तो स्केच का भी है, ऑलमोस्ट सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। गूगल के देखते हैं, गूगल के वर्कस्पेस के क्या क्या है, तो कैलेंडर दिया हुआ है, गूगल ड्राइव दिया हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट सारे के सारे दिए हुए। मीटिंग के लिए इन्होंने गूगल मीट के साथ भी इंटीग्रेट किया हुआ है, लाइक मान लो कि गूगल मीट में आप मीटिंग कर रहे हो तो मीरो को लाइक ईजिली आपको शेयर कर सकते हो, स्क्रीन शेयर तो कर ही सकते हो, बट मीरो का अपना एक बोर्ड उसमें क्रिएट हो जाता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगी कि ये लाइक प्लगइन्स या टूल्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं मीरो में, ठीक है। तो ये तो हमारा लाइक ये वाला तो फिनिश हो गया, ये वाला सेकंड पैनल। यहाँ पे लाइक ये वाले पैनल पे जाते,
तो ये बेसिक पैनल है, इसमें तो आप प्रेजेंट व्यू क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि किसी पूरी की पूरी आपने फाइल क्रिएट की है तो उसको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे जैसे आप प्रेजेंट व्यू में चले जाओगे तो यहाँ प्रेजेंटेशन जैसा ही खुल जाए, ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइक डायरेक्टली आप इमोजीज लाइक दे सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको क्रिएट करना है कर सकते हो, यहाँ पे किसी को ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। देखिए शेयर करना तो शेयर कर सकते हो, कर्सर दिखाना है तो प्रेजेंटेशन व्यू के मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम स्लाइड्स में करते हैं लाइक पावर पॉइंट में करते हैं उसी की तरह का प्रेजेंटेड व्यू है इसका। देखिए फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे शेयर लिंक कर सकते हो, प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, आपको शेयर करना है उसकी लिंक देनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी बोर्ड लिंक करोगे तो उनको उनके साथ लिंक आप शेयर कर सकोगे, तो वो आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन लिंक के थ्रू देख सकोगे। जैसे हम फिग्मा की फाइल शेयर करते हैं लिंक के थ्रू, उसी प्रकार यहाँ पे भी आप शेयर कर सकोगे बोर्ड को पूरा का पूरा का। अब हम जाते हैं यहाँ पे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पैनल है ये वाली टूल बार की तरफ, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो है सिलेक्शन टूल है, तो उसके लिए भी हमारा बेसिक यहाँ पे वी ही होता है शॉर्टकट, तो उसमें तो कुछ है नहीं फीचर्स में यहाँ पे दिखा, तो डायरेक्टली टेम्पलेट्स पे चले जाते हैं। ठीक है तो हम कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ए माइंड मैप भी ले लेते हैं। ठीक है टेम्पलेट से डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली आपको फ्री के टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए इन्होंने क्रिएट करके ही दे दिया यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम है तो मेरे पास उसके सॉल्यूशन से, तो मेरे पास चार सॉल्यूशन है लाइक फोर सॉल्यूशन हमारे पास है, तो यहाँ पे लिख दिया कुछ भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन लिख दिया, उसके भी टू लिख दिया, यहाँ पे जो भी करना है लिख सकते हो, थ्री लिख दिया। फिर इसके अंदर भी आपको और सॉल्यूशन से तो यहाँ पे जो भी आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में या माइंड मैपिंग के लिए करना है यूज़ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे और एक क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं करूँगा तो डायरेक्टली एक और उसकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे मुझे इसके लिए हर बार यहाँ पे जाके प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तब भी होता जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे टैप क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आगे जाएगा, इसके एक फ्लो में इन लेग डीप में चला जाएगा। फिर यहाँ पे एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसकी लाइनिंग का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकेंगे। ठीक है अब मैं टैप करूँगा तो ये पूरी की पूरी लाइन को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे हाईलाइटर का यूज़ करूँगा लाइक किसी टेक्स्ट पे तो वो हाईलाइट भी होकर चला जाएगा। देखिए टेक्स्ट का कलर यूज़ करूँगा तो टेक्स्ट को भी यूज़ करके चला जाएगा। देखिए फिर मान लो कि मुझे सेपरेटली यही फ्लो है राइट, तो इसको ही शेयर करना है तो यहाँ पे कॉपी लिंक करूँगा तो ये वाला फ्लो को ही शेयर करेगा किसी के साथ जो भी शेयर करना है तो। ठीक है तो यहाँ के मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैंने गया और राइट क्लिक किया, ठीक है तो इसको कॉपी का इसका स्टाइल भी कॉपी कर सकते हो, इसकी लिंक लाइक जैसे शेयर करना है तो उसकी तरह उस तरह भी आप शेयर भी कर सकोगे। फिर यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, जैसे कोई भी हम फिग्मा में आर्ट बोर्ड को लॉक कर देते हैं तो वो कुछ हिलता नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं हो पा सकता, उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है ब्रिंग टू लाइक फ्रंट, तो लाइक जो भी कोई भी आपके लिंक के थ्रू ओपन करेगा मिरर में तो डायरेक्टली यहाँ से ही डायरेक्टली स्टार्ट होगा सॉल्यूशन थ्री से ही, यही वाला डायरेक्टली पोर्शन उनको दिखेगा जो भी यूज़र देखेगा उसको। इसको लाइक कॉपी इमेजेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कॉपी किया अभी यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला सॉल्यूशन थ्री वाला पूरा का पूरा कॉपी हो गया। देखिए फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे तो और भी है बाकी सारे दिखाता हूँ आपको, डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो। मान लो कि सेम इसी तरह का एक दूसरा फ्लो है थोड़े से चेंजेस है तो उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे डुप्लीकेट किया देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट हो गया पूरा का पूरा, बट ये यहाँ से ही होगा सॉल्यूशन थ्री पे मैंने करके डुप्लीकेट किया तो यहाँ से ही डायरेक्टली होगा। इसको आप अल्टर के साथ भी लाइक अल्टर ऑप्शन के साथ भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे हम फिग्मा में करते हैं। देखिए मान लो कि अभी मुझे इस ए वाले पूरे फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट करना है, देखिए कि मुझे इसे सेपरेट नहीं रखता, ये मेरा पूरा फ्लो है इसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए ये वाले टॉपिक के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कैसे करना है, यहाँ पे इसको लाइक ऐसे ड्रैग करके जाना है और यहाँ पे टॉपिक पे रखना है। देखिए जैसे ही सिलेक्शन का आता है यहाँ पे छोड़ देना है, तो देखिए ये पूरा फ्लो इसके साथ कनेक्ट हो गया। फिर मुझे इतने की लाइन का कलर चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कलर चेंज कर दूँगा तो पूरी लाइन्स का सबका सिलेक्शन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार इसको यूज़ कर सकते हो लाइक माइंड मैपिंग के टूल के लिए,
और भी मैं आगे दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने ये पूरे के पूरे इधर के उधर हो गए, देखिए पूरे के पूरे बिगड़ गए। जब हम वर्क करते हैं तो पूरा का पूरा सब मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके लेआउट्स नोड पे कर देना है, तो पूरे के पूरे प्रॉपरली सेट हो जाएंगे, उस लाइक एडजस्टमेंट कर लेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप इसी प्रकार यूज़ कर सकते हो माइंड मैपिंग को भी। यहाँ पे इनका टेक्स्ट टूल है, उनको देख लेते एक बारी, जो भी कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये ब्लू में अभी है, सिलेक्टेड कलर हमारा ब्लू है। यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ तो पिंक कलर में हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेसिक स्टाइल भी दी हुई है बोल्ड करने के लिए, जो भी करना है। कोई भी फॉन्ट यूज़ करना है तो यहाँ पे फॉन्ट भी दिया हुआ, चेंज कर सकते हो आप। इसकी लाइक साइज़ भी बढ़ा सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, और लिख के भी कस्टम भी आप कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, वो मैंने आगे समझा उसी पर था। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम ही दिए हुए हैं। लाइक आपको इसको टेम्पलेट की तरह सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अभी आपको एक फ्रेम वाला फीचर भी दिखाता हूँ। डायरेक्टली यहाँ से फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे फिग्मा में हम फ्रेम क्रिएट करते हैं उसी प्रकार। आपको फ़ोन की फ्रेम चाहिए या टेबलेट की चाहिए, ब्राउज़र की चाहिए, जो भी फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउज़र की फ्रेम ले ली है तो उसी के साइज़ के अंदर ले लेगा, देखिए। तो अब हम फ्रेम के अंदर भी काम कर सकते हो और इसी फ्रेम को सेपरेटली हम शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपी लिंक कर दोगे तो डायरेक्टली ये लाइक मान लो कि मेरे पास मल्टीपल फ्रेम्स में मैंने काम किया हुआ है तो मुझे सेपरेटली यही फ्रेम शेयर करनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी लिंक करोगे तो ये वाली फ्रेम ही शेयर होगी। इसका ही कॉपी इमेज करना है तो ये वाली फ्रेम को ही इमेज को कॉपी हम कर सकेंगे। जैसे फिग्मा में आता है, सिमिलर टू फिग्मा ही है बेसिकली। एक टाइप का व्हाइट बोर्डिंग टूल है, उसको व्हाइट बोर्डिंग की तरह ही इन्होंने क्रिएट करके रखा है। देखिए तो यहाँ पे ब्राउज़र सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको चेंज भी कर सकता हूँ, टेबलेट व्यू में भी कर सकता हूँ। तो एक रिस्पॉन्सिव की तरह का हो गया, ऑटो लेआउट जैसे फिग्मा में होता है उसी प्रकार का यहाँ पे भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। बट ऑटो लेआउट नहीं बोल सकते आप, लाइक ये एक बार लाइक फ्रेम को चेंज कर सकते हो, उसका लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए इसका रोटेशन भी चेंज कर सकोगे, देखिए डिवाइस में चाहिए तो डिवाइस में दे सकते हो कि लाइक फ़ोन की तरह दिखे साइज़ में, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये वाला फीचर को हमें यूज़ करना है अगर हाइड फ्रेम को, तो उसके लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा। देखिए डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकोगे। डुप्लीकेट के लिए तो मैंने आपको दिखाया कि लाइक कीबोर्ड का शॉर्टकट का यूज़ करके, अल्टर यूज़ करके आप कर सकते हो इसको, देखिए। ठीक है हम आगे जाते हैं। यहाँ पे स्टिकी नोट दी हुई है, देख मल्टीपल कलर की, जैसे हम स्टिकी नोट एक्चुअल में लेते हैं उसी प्रकार की यहाँ पे भी स्टिकी नोट आती है। देखिए मैंने ये टूल ले लिया, यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड करूँगा इसको खींचूँगा तो ये डायरेक्टली बड़ी सी स्टिकी नोट हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसका कलर वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए इमोजीज ऐड कर सकते हो, टैग ऐड कर सकते हो। मान लो कि कोई भी टैग दे देता हो, टैग ही लिख देते, देखिए यहाँ पे टैग लग गया। तो आप काम कर रहे हो तो भी ये चीज़ आपको एक्चुअल में काम में आ सकती है। देखिए यहाँ पे कलर लाइक ऑथर को देना है, कीवर्ड्स देना है, जो भी कुछ करना है यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकोगे। लॉक करना है तो लॉक कर सकोगे, देखिए। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो अनलॉक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए अनलॉक हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ तो लॉक हो जाएगा, सिलेक्ट करके लॉन्ग प्रेस यहाँ पे रखना है तो अनलॉक हो जाएगा, देखिए। फिर यहाँ पे शेप्स में हम जाते हैं तो मल्टीपल शेप्स आपको दिखाए हुए, देखिए राउंड ले सकते हो, बॉर्डर रेडियस वाला राउंड ले सकते हो, देखिए ठीक है। तो ये मैं कनेक्शन पे आपको जाके दिखाता हूँ कि कनेक्शन का हम कैसे यूज़ कर सकते हो। मान लो कि किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करनी है तो ये मान लो कि यहाँ पे लेके जाके मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये वाला एरोज ले लेता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो आप इस एरोज का यूज़ कनेक्शन के लिए भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइप के यहाँ पे एरोज दिए हुए। मान लो कि ये वाला लेते हैं हम, तो देखिए ऐसे काम करता है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ले लिया होगा, सीधे के सीधे डायरेक्टली एरो से ही हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे पेन टूल आता है, जैसे हम फिग्मा में भी पेन टूल आता है उसी प्रकार का यहाँ पे भी पेन टूल आता है। डिफरेंट डिफरेंट आप पेंस का यूज़ कर सकते हो, उसके पॉइंटर्स चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे इरेजर भी आता है, देखिए मैंने इरेज कर दिया जो जो ड्रॉ मैंने किया था, यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं, देखिए ये ऑटोमेटिकली एक शेप का टूल है। मान लो कि यहाँ पे मैं स्टार क्रिएट करता हूँ, देखिए तो ऑटोमेटिकली स्टार ले लेगा। सॉरी आई थिंक ये वाला टूल था, ये वाला,
राइट देखिए ऑटोमेटिकली शेप इन्होंने क्रिएट करके दिया। फिर वापस से मैं कोई और ट्राई करता हूँ, ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल क्रिएट करके दिए, तो पेन की थ्रू आप डायरेक्टली जो भी ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लेके दे देगा आपको, क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा इरेज अभी कर देता हूँ। देखिए इरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमेंट का टूल है, लाइक कॉमेंट भी कर सकते हो। मान लो कि ये वाले मैं यहाँ पे एक्चुअल में दिखा दूँ, मान लो कि ये वाले स्टिकी नोट पे मुझे कुछ कमेंट देना है अपना, तो यहाँ पे भी कुछ कमेंट दे सकता हूँ। मान लो कि मैंने यूज़र को कहा चेंज द कलर, तो ये वाला मेरा कमेंट चला गया। फिर यहाँ पे मैं उसको प्रायोरिटी में भी दे सकता हूँ, मान लो कि इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे रेड कर दूंगा, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन भी उनको मैं दे सकता हूँ कि नोटिफिकेशन दे दो, तो लाइक यूज़र के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होगी तो नोटिफिकेशन भी दे देगा, या स्लैक के साथ कनेक्ट होगा तो उसके थ्रू भी उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए फिर मान लो कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे कमेंट पे जाऊँगा तो देखूँगा कि क्या कमेंट मेरे को मिला है। तो यहाँ पे चेंज कलर का मिला है, तो यहाँ पे मैं उनको इमोजी के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, या रिजोल्व हो गया तो रिजोल्व भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं रिजोल्व पे क्लिक करता हूँ, ये रिजोल्व हो गया तो चला गया है कमेंट, ठीक है। तो ये तो फ्रेम का तो मैंने दिखा दिया आगे के टॉपिक में। फिर यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो कि मान लो कि ये पूरा का पूरा अपलोड का करना है तो सेव फाइल के थ्रू भी कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा वो कुछ भी ऐप्स लेनी है तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे चार्ट वाली ऐप लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो चार्ट का चार्ट पूरा का पूरा आ गया। मान लो कि ये मुझे चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए चार्ट ओपन हो गया। उसकी वैल्यू यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ, मान लो कि मुझे ये वाला टाइटल टू 20% ही रखना है, ये वाला मुझे 30% ही रखना है। देखिए तो इस तरह से क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ मैं, टाइटल 3 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 50 देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली कलर भी उसके मुताबिक चेंज कर लेता है। देखिए तो चार्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल एप्स यहाँ से यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट शीट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसी प्रकार आप मीरो को इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अंडू है, लाइक रेंडो है, वो सब भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ओपन साइड बार करोगे तो यहाँ पे सब साइड बार में उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह दिखेगी कि कौन कौन कितने फ्रेम्स आपने यूज़ किए, तो यहाँ पे पूरे के पूरे फ्रेम्स दिखेंगे। फिर यहाँ पे लाइक कमेंट्स वगैरह दिखेंगे कि क्या क्या कुछ नए कमेंट्स तो नहीं मिले, लाइक जिसको भी आपने फाइल शेयर की है उसके थ्रू। यहाँ पे उसकी सारी की सारी एक्टिविटी है। मान लो कि कुछ चीज़ मैंने डिलीट कर दी है तो यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकता हूँ मैं। देखिए जहाँ जहाँ पे रिस्टोर का आइकन दिया वहाँ से रिस्टोर भी कर सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे वर्जन्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो वर्जन्स को आपके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा। वर्जन्स में क्या होता है, मान लो कि आज मैंने काम कुछ भी किया, राइट, तो वो मेरा काम दूसरे दिन में करने वाला हो तो, बट मेरा पहले दिन का कुछ काम चला गया या फिर मैंने डिलीट कर दिया, वापस लेना है तो मैंने जो काम किया था तो लाइक अगले दिन का काम मैं यहाँ पे वर्जन के थ्रू ले सकता हूँ। मान लो कल का काम मुझे आज देखना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका वर्जन दिखाया होगा तो वहाँ पे चला जाऊँगा और ले सकूँगा। जैसे फिग्मा में वर्जन हिस्ट्री होता है उसी प्रकार का यहाँ पे भी काम करता है। तो ये वाला था मीरो का बेसिक क्रेश कोर्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे 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 लाइक सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स भी ला सकूँ।